नमस्कार डीसीपी न्यूज में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवार नौटियाल। आई खास खबरों में बात करेंगे मसूरी से जुड़ी खास खबरों के साथ। मसूरी अमृत महोत्सव योजना के तहत लाल बहादुर राष्ट्र प्रशासनिक अकादमी पहुंचे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यही अधिकारी भविष्य में भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारियां निभाएंगे। पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों का जवाब देते हुए कहा कि अग्निपथ योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा युवाओं के हित में लागू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए कारगर सिद्ध होगी। हम आपको बता चलूं कि अग्निपथ योजना का बड़े स्तर पर विभिन्न राज्यों में विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं योजनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। वही इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा को लेकर भी जिक्र किया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा को लेकर हम बेहतर से बेहतर व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार चार धाम यात्रा रिकॉर्ड तो रहेगी। इसके अलावा इन्फोर्सिबल कोर्ट पर भी पुष्कर सिंह धामी ने लगातार कार्य करने की बात कही। अमृत महोत्सव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में मनाया जा रहा है और जहाँ पर हमारे ये IAS प्रशिक्षु हैं इनको भी जो है आगे जो है मिशन योजनाकार के तहत जो है इन सभी को लगाया जा रहा है और इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाना है। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जो भारत की आधारशिला है, आत्मनिर्भर भारत है, जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री ले जा रहे हैं उसको साकार करने का काम इन सब के कंधों पर है। ये सब मिलकर काम करेंगे। आज हमने जाकर वहाँ पर सभी को शुभकामनाएँ दी और सभी को एक तरह से उनसे इंटरेक्ट किया वहाँ। देखिए अग्निपथ योजना ये पूरी तरह से नौजवानों के हित में योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच विचार कर इस योजना को देश को समर्पित किया है और उत्तराखंड राज्य के अंदर जो भी अग्निवीर इस योजना में हिस्सा लेंगे, इस योजना का अहम भाग बनेंगे, उसके बाद जब वो अपने 4 साल का कालखंड पूरा करेंगे तो हर क्षेत्र में हम उनको प्राथमिकता से लेंगे और भारत के अंदर बहुत सारी कंपनियां उनको प्राथमिकता से लेंगी। हमारे अन्य जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनमें भी उनको प्राथमिकता से लिया जाएगा। उनके लिए कहीं कोई कमी नहीं है। देशभक्ति का जज्बा जिनके अंदर रहेगा उनके लिए काम की कोई कहीं मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार का कहीं कमी नहीं होगी। सर देखिए हम शुरू से एक बात कहते रहे हैं कि चार धाम यात्रा में आने वाले सभी यात्रियों से कि उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सरल हो, सुगम हो, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और जो चार धाम में आने वाले यात्री हैं मौसम का जब भी इस प्रकार का पूर्वानुवास होगा तो सभी को हम सूचित करेंगे, उसी के आधार पर सभी लोग यात्रा करें। और अभी तक यात्रा में 25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। एक महीना बीस दिन के अंतराल में 25 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड की धरती पर आ गए हैं, उन्होंने देव दर्शन किए हैं और इस बार यात्रा का सचमुच एक रिकॉर्ड बनने वाला है और हमारी कोशिश है कि यात्रा सुचारू रूप से अच्छी और व्यवस्थित चलती रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तमाम कार्रवाइयां चल रही हैं और रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया। नोट बनाएगी, एक ड्राफ्ट बनाएगी, उस ड्राफ्ट के आधार पर हम उसको लागू करने की कार्रवाई। थैंक यू। आपने सुनी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया। आज के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।